फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C Android मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना नेटवर्क की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन को एक बार ना रिबूट करना है, यानी कि रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको इस पेज में सबसे नीचे रीसेट सेटिंग का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये पेज आएगा, इसमें आपको मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक एंटर कर देना है, ठीक है। स्क्रीन लॉक एंटर करेंगे तो आपको इस पेज में नीचे ओके का ये बटन टैप करना है, तो आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन में आपका ये फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको ना नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है, इसे सेलेक्ट करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे सेलेक्ट करना है। अब इस पेज में आपको ना नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये पेज आएगा, इसे ओके करना है, तो आपका ये कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक काम ये भी करना है, मोबाइल फोन का सिम कार्ड आपको मोबाइल से बाहर निकालना है और सिम कार्ड को सिम ट्रे पे अच्छे से लगाना है। हो सके तो आपको सिम कार्ड की जो पोजीशन है, यानी सिम वन से सिम टू या फिर सिम टू से सिम वन में एक बार पोजीशन को चेंज करके भी देख लेना है। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए इन सभी तरीकों से आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।